नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों, जो लोग हमसे कनेक्ट हैं वो लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो सभी इम्पोर्टेंट जो जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम, उनकी जो GK और हिंदी करवाई जा रही है। तो जिन भी साथियों को हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों, क्या है आज का हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो है प्रमुख क्रांतियों का, कि कौन सी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो पहला साथियों यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हरित क्रांति होती है साथियों, तो हरित क्रांति किससे संबंध रखती है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंध रखती है साथियों। दूसरा आपका साथियों क्या दे रखा है, श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति होती है साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि दूध उत्पादन से संबंध रखती है। बात करें साथियों नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति साथियों मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। साथियों बात करें अगली जो दे रखी है, अगली आपकी है भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है साथियों वो उर्वरक उत्पादन से संबंध रखती है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि रजत क्रांति, रजत क्रांति जो है वो किससे संबंध रखती है, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंध रखती है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि पीली, पीली क्रांति जो होती है वो किससे संबंधित है, जो पीली क्रांति है साथियों वो संबंधित है उत्पादन तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि कृष्ण, कृष्ण क्रांति, जो कृष्ण क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो जो कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों अगला क्या कह रहा है कि लाल क्रांति, जो लाल क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का उत्पादन जो है संबंध है वो किसके उत्पादन से संबंध है, तो उसका बात करें साथियों टमाटर और मांस उत्पादन से संबंध रखता है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि गुलाबी क्रांति, जो गुलाबी क्रांति है किसके उत्पादन से संबंध रखता है, तो गुलाबी क्रांति और साथियों झींगा मछली उत्पादन से संबंध रखता है। अगला बादामी क्रांति साथियों किससे संबंध रखता है, जब बात आती है साथियों बादामी क्रांति की, तो बादामी क्रांति साथियों मसाला उत्पादन से संबंध रखता है। अगला साथियों बात करें सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे किसके उत्पादन से संबंधित है, तो जो सुनहरी क्रांति है वो साथियों फल के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो वो साथियों है नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि धूसर स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है, जो धूसर स्लेटी क्रांति है वो साथियों सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति साथियों किससे संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित, वो साथियों आलू के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति, जो इंद्रधनुषीय क्रांति है वो साथियों किसके उत्पादन से संबंध रखती है, तो ये साथियों सभी क्रांतियों पर निगरानी रखती है। जो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो जितने भी प्रकार की क्रांतियां उन पर क्या करती है, ये सर्विलांस का काम करती है यानी निगरानी का काम करती है। अगला साथियों सनराइज या सूर्योदय क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये साथियों एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ ये जो साथियों हैं ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु ये उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि गंगा गंगा क्रांति, जो गंगा क्रांति वो साथियों किससे संबंधित है, तो गंगा क्रांति साथियों भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने करने हेतु, और आगे इसमें क्या दे रखा है कि जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये चलाई गई थी, जो कि किससे संबंधित है, ये साथियों संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ समाचार पैदा करने हेतु। तो अगला साथियों गंगा क्रांति ये थी, आपको ध्यान देना है। अगले साथियों क्रांति जो है वो है साथियों सदा सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, वह है साथियों जैव तकनीकी के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों बात करें सेफ्रॉन क्रांति की, तो सेफ्रॉन क्रांति साथियों किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये साथियों सेफ्रॉन केसर उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि स्लेटी या ग्रे क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये साथियों उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि हरित सोना क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंध रखती है, तो वो साथियों बांस जो होते हैं बांस के उत्पादन से संबंध रखते हैं। अगली क्रांति कौन सी साथियों, मूक क्रांति, जो मूक क्रांति है वो साथियों किससे संबंध रखती है, तो वो साथियों मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंध रखती है।
अगला साथियों कौन सी क्रांति है? अगली साथियों क्रांति है वो परमा मनी क्रांति है। जो परमा मनी क्रांति है वो साथियों भिंडी के उत्पादन से संबंध रखती है। अगला ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंध रखती है? तो वो साथियों चाय के उत्पादन से संबंध रखती है। अगला साथियों क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है वो किससे संबंध रखती है? किस जो खाद्य श्रृंखला क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो साथियों यहाँ से क्या दे रखा है कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित है। ये जो है ये आपको ध्यान देना है, जो श्रृंखला है खाद्य श्रृंखला क्रांति है वो साथियों भारतीय कृषकों की 2020 तक की आमदनी जो है उसको दोगुना, इसमें क्या कह रहा है कि दोगुना करने से संबंधित है, कि कैसे दोगुना हो सकती भैया आमदनी। अगली साथियों क्रांति कौन सी? अगली क्रांति है साथियों खाकी क्रांति। जो खाकी क्रांति है वो साथियों चमड़ा के उत्पादन से संबंध रखती है। तो चमड़ा के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध रखती है? वो साथियों खाकी क्रांति है। अगली अगली साथियों कौन सी? अगली क्रांति साथियों व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है वो साथियों किससे संबंध रखती है? उसकी बात करें साथियों व्हाइट गोल्ड क्रांति की, तो ये साथियों कपास के उत्पादन से, ये किससे संबंध रखती है? वो साथियों ये साथियों कपास के उत्पादन से संबंध रखती है, जो कि तीसरी क्रांति, सॉरी आगे कुछ दे रखा, हाँ तीसरी क्रांति। अगला साथियों क्या कह रहा है कि एनएच क्रांति, जो एनएच क्रांति है वो साथियों किससे संबंध रखती है? तो एनएच क्रांति जो है साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंध रखती है। तो ये थे कुछ आज के जो क्रांति से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो उनको सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आशा करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाएँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।